नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व नदी दिवस पर नदियों के संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। लोगों से वर्ष में कम से कम एक बार नदी उत्सव आयोजित करने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अगस्त में हुए 355 करोड़ यूपीआई लेन देन की सराहना करते हुए इसे गर्व का विषय बताया। प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती पर लोगों से खादी उत्पाद खरीदने को कहा। त्योहारों के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया। अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की 10 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लद्दाख के करगिल जिले में जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य की समीक्षा की। वायुसेना ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत श्रीनगर की डल झील पर एयर शो का आयोजन किया। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी मंत्रिमंडल में आज 15 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 85 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.77%। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। दोपहर समाचार में पुष्पलता के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23-97-80-46 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नदियां भौतिक वस्तु नहीं बल्कि जीवंत इकाई है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने नदियों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए इनके संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। आज विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में नदियों को मां कहा गया है। वर्ल्ड रिवर डे यानी विश्व नदी दिवस हमारे यहाँ कहा गया है, पिबंती नद्यः स्वयमेव नाम्भः, अर्थात नदियां अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिए देती है, तभी तो हम नदियों को मां कहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लोग माघ के महीने में गंगा और अन्य नदियों के किनारे कल्पवास करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत की कई परंपराएं जल संरक्षण से भी जुड़ी हैं, जिसे आज हम वर्षा जल संरक्षण कहते हैं। इसे हम कई परंपराओं और अनुष्ठान के माध्यम से सदियों से करते आए हैं। आज के युग में हम जिसको कहते हैं कैच द रेन, वो वही बात है कि जल के एक एक बिंदु को अपने में समेटना, जल जीलनी। उसी प्रकार से बारिश के बाद बिहार और पूरब के हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए नदियों के किनारे घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी। हम नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने का काम सबके प्रयास और सबके सहयोग से कर ही सकते हैं। नमामि गंगे मिशन भी आज आगे बढ़ रहा है, तो इसमें सभी लोगों के प्रयास एक प्रकार से जन जागृति, जन आंदोलन, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न अवसरों पर उन्हें दिए गए उपहारों की नीलामी की जा रही है।
उन्होंने बताया कि इस नीलामी से मिलने वाली राशि को नमामि गंगे अभियान के लिए खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार और समाजसेवी संगठनों के प्रयासों का भी उल्लेख किया। तमिलनाडु के वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ एक नदी बहती है, नागा नदी। अब ये नागा नदी बरसों पहले सूख गई थी, इस वजह से वहाँ का जलस्तर भी बहुत नीचे चला गया था, लेकिन वहाँ की महिलाओं ने बीड़ा उठाया कि वो अपनी नदी को पुनर्जीवित करेगी। फिर क्या था, उन्होंने लोगों को जोड़ा, जन भागीदारी से नहरें खोदी, चेकडैम बनाए, रिचार्ज कुएं बनाए। आपको भी जानकर के खुशी होगी साथियों कि आज वो नदी पानी से भर गई है, और जब नदी पानी से भर जाती है ना, तो मन को इतना सुकून मिलता है, मैंने प्रत्यक्ष का अनुभव किया है। श्री मोदी ने साबरमती नदी को नर्मदा नदी से जोड़कर जीवंत करने के स्थानीय लोगों के प्रयासों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाकर आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी। ये साल दो साल एक सरकार दूसरी सरकार ऐसा विषय नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें स्वच्छता के संबंध में सजगता से अविरत रूप से बिना थके बिना रुके बड़ी श्रद्धा के साथ जुड़े रहना है और स्वच्छता के अभियान को चलाए रखना है। स्वच्छता ये पूज्य बापू को इस देश की बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है, और ये श्रद्धांजलि हमें हर बार देते रहना है, लगातार देते रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह शौचालयों के निर्माण से गरीबों की गरिमा बढ़ी है, उसी तरह आर्थिक स्वच्छता गरीबों के अधिकार को सुनिश्चित बनाती है। आर्थिक स्वच्छता गरीबों को अधिकार सुनिश्चित करती है, उनका जीवन आसान बनाती है। जनधन खातों को लेकर देश ने जो अभियान शुरू किया, इसकी वजह से आज गरीबों को उनके हक का पैसा सीधा उनके खाते में जा रहा है, जिसके कारण भ्रष्टाचार जैसी रुकावटों में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई है। आर्थिक स्वच्छता में टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर सकती है। हमारे लिए खुशी की बात है, आज गांव देहात में भी फिनटेक यूपीआई से डिजिटल लेनदेन करने की दिशा में सामान्य मानवी भी जुड़ रहा है, उसका प्रचलन बढ़ने लगा है। अब फिनटेक का महत्व बहुत बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि यूपीआई से पिछले महीने अगस्त में 355 करोड़ से ज्यादा लेनदेन किए गए। पिछले अगस्त महीने में एक महीने में यूपीआई से 355 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, यानी करीब करीब 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि अगस्त के महीने में 350 करोड़ से ज्यादा बार डिजिटल लेन देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया गया है। आज एवरेज 6,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट यूपीआई से हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शुरू किए गए आयुष्मान भारत योजना ने हाल ही में अपने 3 साल पूरे किए हैं। दीनदयाल जी पिछली सदी के सबसे बड़े विचारकों में से एक है। उनका अर्थदर्शन, समाज के सशक्त करने के लिए उनकी नीतियां, उनका दिखाया अंत्योदय का मार्ग आज भी जितना प्रासंगिक है उतना ही प्रेरणादायी भी है। 3 साल पहले 25 सितंबर को उनकी जन्म जयंती पर ही दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई थी। आज देश के 2.25 करोड़ से अधिक गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल चुका है। गरीब के लिए इतनी बड़ी योजना दीनदयाल जी के अंत्योदय दर्शन को ही समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी ने देशवासियों को बहुत कुछ सिखाया है, इससे स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। हमारे देश में पारंपरिक रूप से प्राकृतिक उत्पाद उपलब्ध हैं, जिन्हें बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज के हालत में जिस प्रकार मेडिसिनल प्लांट और हर्बल उत्पादों को लेकर दुनिया भर में लोगों का रुझान बढ़ा है, उसमें भारत के पास अपार संभावनाएं हैं।
बीते समय में आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में भी काफी वृद्धि देखने को मिली है। मैं साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े लोगों से ऐसे प्रोडक्ट की ओर ध्यान देने का आग्रह करता हूं जो लोगों की वेलनेस और इम्यूनिटी तो बढ़ाए, हमारे किसानों और नौजवानों की आय को भी बढ़ाने में मददगार साबित हो। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के 75वें साल में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो इससे संतोष होता है कि हमारी युवा पीढ़ी खादी को गौरव दे रही है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे 2 अक्टूबर को बापू की जयंती पर और त्योहारों के मौसम में खादी तथा कुटीर उद्योगों के उत्पाद खरीदकर नया रिकॉर्ड बनाएं। 2 अक्टूबर पूज्य बापू की जन्म जयंती पर हम सब फिर से एक बार एक नया रिकॉर्ड बनाएं। आप अपने शहर में जहां भी खादी बिकती हो, हैंडलूम बिकता हो, हैंडीक्राफ्ट बिकता हो, और दिवाली का त्योहार सामने है, त्योहारों के मौसम के लिए खादी, हैंडलूम, कुटीर उद्योग से जुड़ी आपकी हर खरीदारी वोकल फॉर लोकल इस अभियान को मजबूत करने वाली हो, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो। प्रधानमंत्री ने हाल में 8 दिव्यांगजनों की टीम द्वारा सियाचिन ग्लेशियर की 15,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर कुमार पोस्ट पर अपना परचम लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की अभूतपूर्व उपलब्धि की सराहना की। सियाचिन ग्लेशियर को फतह करने का यह ऑपरेशन भारतीय सेना के विशेष बलों के वेटरन्स की वजह से सफल हुआ है। मैं इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए इस टीम की सराहना करता हूं। यह हमारे देशवासियों के कैन डू कल्चर, कैन डू डिटर्मिनेशन, कैन डू एटीट्यूड के साथ हर चुनौती से निपटने की भावना को भी प्रकट करता है। प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश में बरेली की दीपमाला का भी जिक्र किया, जिन्होंने बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया। कोरोना काल में इस अभियान के कारण न केवल बड़ी संख्या में बच्चों का एडमिशन संभव हो पाया, बल्कि इससे करीब 350 से अधिक शिक्षक भी सेवा भाव से जुड़ चुके हैं। ये शिक्षक गांव-गांव जाकर दिव्यांग बच्चों को पुकारते हैं, तलाशते हैं और फिर उनका किसी न किसी स्कूल में दाखिला सुनिश्चित कराते हैं। दिव्यांग जनों के लिए दीपमाला जी और साथ ही शिक्षकों की इस नेक प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की असत्य पर सत्य की विजय का पर्व भी मनाने वाला है, लेकिन त्योहारों के इस उत्सव में हमें देश की कोरोना से लड़ाई याद रखनी है और कोविड निर्देशों का पालन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमरीका यात्रा से स्वदेश लौटने पर आज नई दिल्ली में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण दुनिया अब भारत को एक नई दृष्टि से देखती है। कोरोना के संक्रमण काल के 2 साल के पश्चात उन्हें अमेरिका जाने का और भारत की नुमाइंदगी करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनकी 5 दिन की यात्रा बहुत ही छोटी यात्रा थी, लेकिन वो पूरे व्यस्तता के साथ और वहां के समाज के सभी लोगों के जो देश और दुनिया में राजनीति में मायने रखते हैं उनके साथ उनकी बातचीत हुई है। मैं अपनी ओर से और देश के करोड़ों लोगों की तरफ से जो उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है उसके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाकर भारत को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित किया है। स्वदेश रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री 157 कलाकृतियों और पुरावशेषों को स्वदेश लेकर आए। श्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अवैध व्यापार और सांस्कृतिक वस्तुओं की तस्करी से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सलग्रस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। दिनभर चलने वाली इस बैठक में नक्सली गतिविधियों की ताजा स्थिति की समीक्षा और भविष्य में सुरक्षा की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। गृहमंत्री राज्यों में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान की भी समीक्षा करेंगे।
सड़क, पुल, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण जैसे विकास कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 13.5 किलोमीटर लंबे जौजिला सुरंग का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान सुरंग की दूसरी ब्लास्टिंग की। सुरंग को 4.5 हजार करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इस सुरंग के जरिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पूरे वर्ष शेष देश के साथ जुड़ा रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व नदी दिवस पर नदियों के संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। लोगों से कम एक बार नदी उत्सव आयोजित करने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अगस्त में हुए 355 करोड़ यूपीआई लेनदेन की सराहना करते हुए इसे गर्व का विषय बताया। प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती पर लोगों से खादी उत्पादों को खरीदने को कहा। त्योहारों के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया। अमरीका की ऐतिहासिक यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की 10 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लद्दाख के करगिल जिले में जौजिला सुरंग के निर्माण कार्य की समीक्षा की। वायुसेना ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत श्रीनगर की डल झील पर एयर शो का आयोजन किया। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी मंत्रिमंडल में आज 15 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 85.60 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.77% और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत आज वायुसेना ने कश्मीर घाटी में डल झील पर शानदार एयर शो का आयोजन किया। इस एयर शो में MiG-21 लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट किया, जबकि सुखोई SU-30 और SU-20 विमानों ने जबरदस्त करतब दिखाए। बड़ी संख्या में लोग एयर शो देखने आए थे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे 19वीं सदी में भारत के पुनर्जागरण युग की महान हस्तियों में से एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। उनका जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ था। समाज के प्रति अपने अनूठे योगदान के लिए ईश्वर चंद्र का नाम भारतीय इतिहास में अमर है। वे महान समाज सुधारक, ब्रिटिश शासन के विरोधी और परोपकारी व्यक्ति थे। महान शिक्षक और लेखक विद्यासागर को बांग्ला गद्य का जनक भी माना जाता है। उन्होंने बांग्ला अक्षरों को औचित्यपूर्ण, सरल और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईश्वर चंद्र का जन्म बीर सिंह गांव में हुआ था, जो अब मेदिनीपुर जिले में है।
विद्यासागर बचपन से ही बहुत होनहार थे। उनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन इन हालात में भी विद्यासागर ने हार नहीं मानी और स्ट्रीट लाइट में ही पढ़ाई की। पढ़ाई में वे बेहद तेज थे। उन्होंने सभी परीक्षाएं बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। 1839 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कानून की परीक्षा संस्कृत के माध्यम से उत्तीर्ण की और कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के विभागाध्यक्ष बन गए। बाद में वे उसी कॉलेज में प्राचार्य भी रहे। उन्होंने संस्कृत और दर्शन शास्त्र के स्नातक विद्यार्थियों को इतनी उत्कृष्ट शिक्षा दी कि कॉलेज ने ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। विद्यासागर महिलाओं, विशेष रूप से बंगाल में विधवाओं के उत्थान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने खास तौर से बाल विधवाओं की बेहतरी के लिए काम किया। तब बंगाल में बाल विधवाओं की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से लोगों की सोच बदली। विद्यासागर ने बहुविवाह के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। विद्यासागर ने महिला शिक्षा और अधिकारों के लिए क्रांतिकारी आंदोलन चलाया। समाज के कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए विधायी परिषद में याचिका दी। आखिरकार लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत रूप से विधेयक को अंतिम रूप दिया और इस तरह हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अस्तित्व में आया। ईश्वर चंद को 1855 में स्कूलों का विशेष निरीक्षक बनाया गया। उन्होंने लगभग पूरे बंगाल की यात्रा की और स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यासागर ने देखा कि लोग कितनी दयनीय स्थिति में जीने को मजबूर हैं। शिक्षा के अभाव के कारण हर तरफ अंधविश्वास का बोलबाला था। विद्यासागर ने शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए पूरे बंगाल में स्कूलों की स्थापना की। 2 महीने में ही उन्होंने 20 स्कूल बना दिए। स्त्री पुरुष समानता को प्रोत्साहन देने के लिए ईश्वर चंद्र ने 30 स्कूल तो केवल कन्याओं के लिए बनाए। विद्या दे विद्या दिले अशिक्षा दे शिक्षा तुम्हारे कछे सबाई निलाम जीवन गड़ार दीक्षा विद्यार सागर तुमी कन्नारीशा। 1873 में वे कर्मातार बस्ती पहुँचे, जो अब झारखंड के जामताड़ा जिले में है। यहाँ वो 18 साल से ज्यादा समय तक रहे। अपने अहाते में उन्होंने बालिकाओं के लिए स्कूल और प्रौढ़ शिक्षा के लिए रात्रि पाठशाला खोली। अपने उस घर को विद्यासागर नंदन कानन कहते थे। वहाँ उन्होंने जनजातीय लोगों के इलाज के लिए निःशुल्क होम्योपैथी क्लिनिक भी खोला। नंदन कानन बाद में बिक गया। जैसे ही लोगों को ये पता चला, वे उसे बचाने के लिए निकल पड़े। 1974 में बिहार के बंगाली एसोसिएशन ने घर घर जाकर एक एक रुपए का चंदा लिया और उससे जुटी रकम से नंदन कानन को वापस खरीदा। इसके बाद यहाँ फिर से लड़कियों का स्कूल शुरू किया गया और उसका नाम विद्यासागर स्कूल रखा गया। वहाँ अब भी होम्योपैथी क्लिनिक चल रहा है, जिसके जरिए स्थानीय लोगों की सेवा की जा रही है। विद्यासागर के घर को वैसे ही तैयार किया गया है जैसा उनके समय था। झारखंड सरकार ने महान समाज सुधारक की जयंती के अवसर पर 26 सितंबर 2019 को कर्मातार ब्लॉक का नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्लॉक कर दिया। भारतीय डाक विभाग उन पर 2 बार 1970 और 1998 में डाक टिकट भी जारी कर चुका है। 29 जुलाई 1891 को महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कोलकाता में निधन हो गया। महान बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त के शब्दों में, विद्यासागर में प्राचीन काल की प्रतिभा और बुद्धि है, अंग्रेजों जैसी ऊर्जा है और बंगाली माता का हृदय है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसी महान हस्ती को नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग
आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय बैंक परिसंघ से देश के हर जिले की सभी बैंक शाखाओं की स्थानवार मैपिंग करने को कहा है। आज मुंबई में उन्होंने परिसंघ से बैंक की शाखाओं के स्थान का निर्धारण करने और बिना शाखा के ग्राहकों को सेवाएं मुहैया कराने को भी कहा। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मंत्रिमंडल में 15 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित आज नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देशभर में अब तक 85,60,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 68,42,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.77% है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है हिंदी फिल्मों के सदाबहार अभिनेता, निर्माता और निर्देशक देवानंद को। हिंदी फिल्मों के सदाबहार हीरो धर्मदेव आनंद यानी आपके चहीते देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर में हुआ था। देवानंद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में डिग्री प्राप्त की और काम की तलाश में मुंबई आ गए। यहां आकर उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में मामूली सी नौकरी कर ली। किस्मत अच्छी थी कि जल्द ही उन्हें प्रभात टॉकीज की फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। पुणे में फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती सुपरस्टार गुरुदत्त से हो गई। कुछ समय बाद अशोक कुमार की मदद से उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म सिद्धि में मुख्य भूमिका मिल गई। 1948 में रिलीज हुई फिल्म हिट रही और इसने देवानंद को स्टार बना दिया। 1949 में देवानंद ने अपनी खुद की एक फिल्म कंपनी बनाई जिसका नाम रखा नवकेतन। 1951 में प्रदर्शित कंपनी की पहली फिल्म बाजी काफी सफल रही। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर जो हिट साबित हुई। इस फिल्म में इनके साथ थी कल्पना कार्तिक जिन्होंने बाद में देव साहब से विवाह कर लिया। 1958 में आई फिल्म काला पानी के लिए इन्हें बेहतरीन कलाकार के पुरस्कार से नवाजा गया। 1965 में देवानंद की पहली रंगीन फिल्म प्रदर्शित हुई जिसका नाम था गाइड। गाइड के बाद देव साहब ने विजयानंद के साथ मिलकर ज्वेल थीफ और जॉनी मेरा नाम का निर्माण किया। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। 1970 में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म आई प्रेम पुजारी जो ज्यादा सफल नहीं हो सकी, लेकिन अगले ही वर्ष फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा ने तहलका मचा दिया। सरकार ने 2001 में उन्हें पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। जिंदगी भर लोगों के दिलों पर राज करने वाले देवानंद एक दिन अपने ही दिल से मात खा गए और 3 दिसंबर 2011 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मैच खेले जाएंगे। अबूधाबी में 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दुबई में 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व नदी दिवस पर नदियों के संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। लोगों से कम एक बार नदी उत्सव आयोजित करने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अगस्त में हुए 355 करोड़ यूपीआई लेनदेन की सराहना करते हुए इसे गर्व का विषय बताया। प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती पर लोगों से खाद्य उत्पादों को खरीदने को कहा। त्योहारों के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया। अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की 10 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लद्दाख के करगिल में जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य की समीक्षा की। वायुसेना ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत श्रीनगर की डल झील पर एयर शो का आयोजन किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 85,60,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।